38 एक्टिव मामले शेष। और राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, डाल्टनगंज में 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और गिरिडीह में लू जैसे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन चार सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची समेत राज्यभर में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर उल्लास का माहौल है। रांची समेत विभिन्न जिलों में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। कोरोना संक्रमण के 2 साल के बाद निकलने वाले इस शोभा यात्रा में लोगों का उत्साह चरम पर है और सड़कों पर झारखंड की बहुरंगी संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में आयोजित सरहुल पर्व महोत्सव में शामिल हुए। राजधानी रांची में प्रकृति पर्व सरहुल का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में पहुंचकर सरहुल महोत्सव में हिस्सा लिया तथा लोगों को बधाई दी। कल्याण विभाग के स्तर पर रसोईया का भी उपलब्धता हम करने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रकृति के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि अगर पेड़ है तो उसके जड़ आदिवासी हैं। मैं तो समझता हूँ अगर धरती में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, अगर पेड़ है तो उसका जड़ यहाँ के आदिवासी, अगर यहाँ के आदिवासी ना होते तो पेड़ नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोग आने वाले समय में भी अपने इस व्यवस्था को अक्षुण रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय सरना समिति और युवा सरना समिति द्वारा आयोजित सरहुल पूजा में भी शामिल हुए और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के साथ ही सरना और मसना स्थलों के जीर्णोद्धार पर भी बल दिया। हमारी सोच उन सब को लेकर आगे बढ़े और अपनी व्यवस्था को मजबूत करें। इसी क्रम में आज का ये सिरमटोली इस पवित्र स्थल का जीर्णोद्धार कार्यक्रम करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक राजनेताओं ने प्रकृति पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रकृति का पर्व सरहुल जनजाति एवं जनजाति समाज के लिए नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार, जिसके माध्यम से प्रकृति का आलिंगन करते हुए जनजातीय समाज दुरु क्षेत्र से लेकर गांव के विविध क्षेत्र में बसने वाले
जनजातीय समाज आदिकाल से परंपरा और संस्कृति का वाहक रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सीताराम डेरा में उरांव और भूया समिति द्वारा आयोजित सरहुल पूजा में शामिल हुए। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर लौह नगरी जमशेदपुर में भी उल्लास का माहौल दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सीताराम डेरा में आयोजित सरहुल पूजा में शामिल हुए तथा देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति की रक्षा पर भी बल दिया। इस सरहुल पर्व के अवसर पर सीताराम डेरा उरांव बस्ती के साथ साथ समस्त झारखंड वासियों को सरहुल के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। उरांव समिति और भूया समिति द्वारा आयोजित इस सरहुल पूजा में आम और खास लोग उपस्थित थे। सूर्य और धरती का जो मिलाप होता है, जो इसमें जो है हमारे जो पूर्वज जो हमारे बीच रहे नहीं संचुक स्पोटा जी, उसी का जो है जो हम बता रहे हैं कि जो है हमारा जो नियम जो कड़सा उड़सा जो लेके चलते हैं महिलाएं सब, वो कड़सा उड़सा भी ढो के चलती है, एक तो बारात का रूप में जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अनेक स्थानों पर विभिन्न समितियों द्वारा सरहुल पूजा का आयोजन हुआ। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। सरहुल के मौके पर रांची के हतमा स्थित सरना स्थल में जगलाल पाहन ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के बाद इस वर्ष अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की। देखिए, हम लोग कल जो जलरेखाई पूजा जो हम लोग किए थे हमारे पवित्र सुर सरना में, जो हमारे जितना भी देवी देवताओं से हम लोग उसको सुन रहे, उससे प्रार्थना किए और हम लोग जल रखाई किए, और जब हम लोग सुबह को उस जल का जो घड़ा में जो रखे थे जो जल, उसको हम लोग आलोकन किए, तो उसे यही पता चला कि ये बारिश ठीक ही है और हमारा जो उत्तर की दिशा से बारिश थोड़ा ज़्यादा होने। इधर झारखंड समेत देश भर में चैत्र नवरात्र पर माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गे के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। रामनवमी के मद्देनजर कल मंगलवारी जुलूस भी निकलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल से अनुमोदन और अनुमति के इच्छुक प्रसारकों को ऑनलाइन सुविधाएं मिल सकेंगी। पोर्टल लॉन्च करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि इससे कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। प्रसारकों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। मौके पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। डिजिटाइजेशन और बिजनेस को आसान करने की जो शुरुआत इस गवर्नमेंट से हुई है, आई थिंक ये उसमें, और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये भी है कि डिजिटल इंडिया की कहानी न्यू इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कहानी है। हम जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी की बात करें, जैम ट्रिनिटी की बात करें, या यूपीआई भीम डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की बात करें, डिजी लॉकर की बात करें, ये सब कुछ ऐसे प्रयास हैं पिछले कुछ वर्षों में जहां हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग और उसके माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता लाने का काम और सिस्टम को और जवाबदेह करने का काम किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से, जैसा सभी शेयरधारक, सभी स्टेक होल्डर्स ने यहां पर कहा कि मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सचिव महोदय ने कहा बड़ी बड़ी फाइलों पर नहीं जाना पड़ेगा, जो एप्लीकेंट होगा जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको ये भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है, और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़ कर काम कराने के बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। किसी को वहाँ कितने दिन से पेंडिंग है, सैकफा में कितने दिन से पेंडिंग है और हमारे यहाँ कितने दिन रहा, तो इस सब का भी उसमें हम धीरे धीरे इसको थोड़ा प्रगति करते रहेंगे।
आप सबका सहयोग इसमें हमें अपेक्षित है। धन्यवाद। जो भी एंट्री करनी होगी वहीं से कर देंगे। डिजिटाइजेशन और बिजनेस को आसान करने की जो शुरुआत इस गवर्नमेंट से हुई है, आई थिंक ये उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होगा। शुक्रिया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह बासुकीनाथ समेत झारखंड में जैन बौद्ध एवं शैव मतावलंबियों के तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का आग्रह किया। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 700 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 1260 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही देश भर में 4,24,00,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 98.76% हो गई है। इधर झारखंड में कोरोना के 38 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 9 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। पर्व त्योहारों के बावजूद झारखंड में आज टीकाकरण अभियान अनवरत जारी है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,70,86,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के एक दो हिस्सों में बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश हुई, जबकि कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। इस दौरान लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होता रहा। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और गिरिडीह में लू जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 10 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रांगण में स्थित विशाल सखुआ वृक्ष के समक्ष विधि पूर्वक पूजा हुई। गिरिडीह में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार द्वारा जन समुदाय की सुविधा को ध्यान में रखकर शिकायत कोषांग का संचालन किया जा रहा है, जिसके लिए जिला अंतर्गत प्रखंड स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर 1800-3456502 पर इससे संबंधित सूचना के लिए संपर्क किया जा सकता है।
गुमला में बारूद से भरा एक ट्रक घाघरा और देवाकी के बीच से कहीं गायब हो गया, जिसके बाद घाघरा पुलिस काफी देर परेशान रही। पुलिस की तलाश में ट्रक चालक और खलासी सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे शराब के नशे में धुत मिले। बाद में कुछ ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने देवाकी धाम के समीप ट्रक को लावारिस हालत में पाया। लातेहार जिला स्थापना दिवस के मौके पर जिले के उपायुक्त ने करगिल पार्क में वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने जिला स्थापना दिवस के लोगों को बधाई भी दी। बिहार पुलिस के मध्य निषेध विभाग की टीम ने शराब तस्करी के आरोप में रांची से विपिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट से हुई है। रांची के बेड़ो में साप्ताहिक बाजार में एक व्यक्ति पर अहले सुबह अपराधियों ने गोली चला दी। साप्ताहिक बाजार में गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस ने अपराधियों का पीछा कर मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बसली के समीप दो अपराधियों को पकड़ा। मामले की छानबीन जारी है। रांची एयरपोर्ट में अजब गजब नजारा देखने को मिला, जब रविवार को एक ही नंबर की दो गाड़ी पकड़ी गई, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। दोनों गाड़ी को एयरपोर्ट थाना लाया गया। कृषि मंत्री बादल ने मधुपुर में खेल मंत्री हफीजुल हसन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। गिरिडीह जिले के गामा थाना क्षेत्र के कुसमाई जंगल में आज धीवरा मायका के अवैध खनन में चाल धंसने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए। केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हर जरूरतमंद परिवार का अपना पक्का घर हो। इस लक्ष्य के अनुरूप रांची के ग्रामीण इलाकों में भी युद्ध स्तर पर आवास निर्माण का काम जारी है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के बीच आवास योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है। योजना के तहत रांची के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे परिवार हैं जिनका आवास निर्माण हो चुका है, जबकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके आवास का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। सरकार तरफ से प्रधान योजना से उधर पैसा मिला तो पक्का मकान बन रहा है, अच्छा खुशियारी का बात है, नहीं तो पहले तो पूरे मिट्टी का घर था। सोनी देवी बताती हैं कि शादी के बाद जब वे अपने पति के घर आई थीं, तब उनका घर मिट्टी का था, जिसमें कई तरह की परेशानियों के साथ असुरक्षा की भावना थी। केंद्र सरकार की पहल से अब उनका पक्का मकान बन रहा है, जिससे सोनी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री अब जो दे दिया सो अब हम लोग बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, देखिए यहाँ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की श्रेणी में जितेश को भी शामिल है। योजना के तहत उनका आवास निर्माण का प्रथम चरण चल रहा है। खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में मिट्टी के घर की जगह पर उनका अपना पक्का मकान बन जाएगा। पहले मेरा मिट्टी का घर था, उसके बाद उसको तोड़े, जो हम लोग को मिला घर बनाने के लिए पैसा वहां से आया, उसको फिर हम लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी ईटा का घर बना रहे, पक्का घर बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभुकों को आवास निर्माण के लिए किस्त में राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना के सफल क्रियान्वयन से गांव की तस्वीर भी अब बदलने लगी है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रांची रेल डिवीजन के हटिया स्टेशन से 5 दिन तक ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा, इसे लेकर डिवीजन ने ग्रीन नोटिस जारी कर दिया है। 5 दिनों तक हटिया स्टेशन नॉन इंटरलॉकिंग वर्क को लेकर पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा। ऐसे में 11 से 15 अप्रैल तक हटिया रेलवे यार्ड में काम जारी रहेगा। वहीं हटिया बालसिरिंग हटिया के नए रूट को भी इससे जोड़ने की तैयारी है। इस काम के दौरान 15 किलोमीटर तक का रेलवे एरिया व्यस्त रहेगा और इस रूट में 5 दिनों तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम नहीं करेंगे, जिससे कि 5 दिनों तक लाल और हरी झंडी दिखाकर ही ट्रेनों का परिचालन कराया जाएगा। इतना ही नहीं, 8 ट्रेनें रांची से खुलेंगी और रांची तक ही जाएंगी। रेलवे के एडीजी अनिल पाल्टा ने आज टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही रेल थाना का भी जायजा लिया। उन्होंने रेल एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और जरूरी निर्देश दिए। लेकिन सर बहुत
क्राइम तो होता है और बैग लिफ्टिंग, मोबाइल लिफ्टिंग, तो हम लोग ट्राई करते हैं हर एक को डिटेक्ट करने का, और जो पुराने बड़े बड़े केसेस हैं रेलवेज के उसको रिव्यू करके और उनको हम सही रास्ते पे ला रहे हैं। जो पुराने पेंडिंग हैं उनको हम लोग ध्यान से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप किस लेवल पर हैं सर, अनुसंधान जो हो रहा है? गिरिडीह में मनरेगा से ली जा रही योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। गिरिडीह जिला अंतर्गत खावा पंचायत की बंजर जमीनें आज मनरेगा के कारण गुलजार हैं और क्षेत्र के किसान बहुफसली खेती कर लाभ कमा रहे हैं। नवाडी गांव की बंजर जमीन पर पानी के अभाव में कुछ नहीं उपजता था। गांव में मनरेगा से बड़े आकार के सिंचाई कूप के निर्माण ने परिस्थितियां बदल डाली। बंजर जमीन था और इसमें हम लोग कमाने खाने के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली बम्बई। उसके बाद जब हमको कुआं मिला सिंचाई कूप नरेगा के तहत में, तो मैं अपना घर में ही अपना जमीन पर ही खेती बाड़ी करता हूँ। नरेगा से कुआं मिला, उसे सिंचाई करके बाहर में छोड़ के अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। मनरेगा की सफलता से कृषि कार्यों में अब किसान रुचि दिखा रहे हैं तथा मजदूरों का पलायन भी रुका है और वे गांव में ही खेती कर अच्छा कमा रहे हैं। पूरा बंजर जमीन था सर, उसके बाद जब से हमको मनरेगा से कूप सिंचाई का कुआं मिला, उस समय से हम अपना भरण पोषण बाल बच्चा और इसे आमदनी हमको हो रहा है। इसे सोना उगा रहे हैं जो है सर, खेत जो है इसे हम सोना उगा रहे हैं। इधर खावा पंचायत के मुखिया मनोज मंडल का कहना है कि मनरेगा योजना से 100 एकड़ बंजर भूमि को खेती लायक बनाया गया है, जिसने गांव वालों की तकदीर बदल दी है। मनरेगा के तहत हमारे गांव में जो है सो लगभग 100 एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ था। मनरेगा से सिंचाई कूप का निर्माण होने से वह 100 एकड़ जमीन जो है सो उपजाऊ भूमि बनाया गया। यहां पर मजदूर जो पलायन पहले कर गए थे बाहर, वह जो है अभी सब यहां लौट आए हैं, और लौट कर आने से अपना जो है जीवन अपन मनरेगा में कर रहे हैं। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा का कहना है कि मनरेगा के कारण लोगों को न केवल रोजगार मिल रहा है बल्कि इससे कृषि और बागवानी कार्यों को भी बढ़ावा मिल रहा है। महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कि अभिसरण के तहत हम लोग एसएचजी के भी माध्यम से हम लोग चिन्हित करके बाड़ियों में जो भी उनके वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं और अन्य जैसे मोरिंगा हो गए और अन्य घरेलू खपत के लिए ऐसे इनको बढ़ावा देते हैं, ऐसे कृषि या खेती के लिए। मनरेगा जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव आ रहा है, जिससे कमजोर तबकों और किसानों की दुनिया बदल तथा संवर रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ आग लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं। बोकारो के चास बिजली विभाग में आज जबरदस्त आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। छह अप्रैल से 17 अप्रैल तक भोपाल में आयोजित होने वाली 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की 20 सदस्यीय टीम आज भोपाल के लिए रवाना हुई। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों समेत खेल प्रेमियों ने टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर 7 अप्रैल को स्पेशल ओलंपिक भारत संस्था के द्वारा बोकारो इस्पात नगर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। स्पेशल ओलंपिक भारत के असिस्टेंट डायरेक्टर सतवीर सिंह ने बताया कि शिविर में विशेषज्ञों द्वारा दिव्यांग बच्चों के अंदर छिपी खेल प्रतिभा को पहचानने की कोशिश की जाएगी ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस शिविर का आयोजन देश के 75 शहरों में होना है, जिसमें झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर भी शामिल हैं। जो
हो चुकी है, उनका IQ सर्टिफिकेट उनकी पहचान होता है जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अगर उस फॉर्म में उनका किसी और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट होता है। मान लिया कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसने अपना दिया, अपना सर्टिफिकेट जमा किया, विच विल नॉट बी एंटरटेन, दिस कैंप इज ओनली फॉर इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड। बट कई केसेस ऐसे होते हैं, आप देखा होगा इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड भी है और हियरिंग इम्पेयर्ड भी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है। भगवान की ज्यादा ही क्या बोल सकते हैं हम, कृपा नहीं रहती तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई विकलांग है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि विकलांग आ रहा है तो फिजिकली चैलेंज है, विकलांगता तो किसी प्रकार भी होती है, बट एक्चुअल विकलांगता तो मन की होती है, माइंड से होती है। जब आदमी माइंड से विकलांग हो जाता है तो वाकई में विकलांग हो जाता है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में स्वतंत्रता संग्राम पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अनेक लोग उपस्थित थे। शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक आयाम है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसकी 50 साल अभी उसकी पूर्ति हुई, स्वर्ण जयंती उसकी अभी पूर्ति हुई। उस अवसर पे महामहिम उपराष्ट्रपति जी उसको समापन किए और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उस कड़ी में लोकसभा में आज इस लाइब्रेरी में 1757 से लेके 1947 तक लगभग 200 साल की अंग्रेजों के खिलाफ जो इस देश की एक पराक्रम का लड़ाई रहा, संघर्ष रहा, उसमें बहुत सारे गुमनाम नायक भी रहे। भारत सरकार की प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी इस अमृत काल में सबको आह्वान किए हैं, देश की गुमनाम नायकों को देश की मेनस्ट्रीम में लाया जाए। छोटे छोटे इलाका में हमारी आजादी के उपरांत जिस प्रकार से हमने इतिहास को देखना चाहिए हमने देखा है, लेकिन उसको और और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरहुल शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, सरहुल पर्व महोत्सव में आम और खास सभी हुए शामिल। पाहन द्वारा परंपरागत पूजा के बाद इस वर्ष अच्छी बारिश की भविष्यवाणी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल किया लॉन्च, कहा बढ़ेगी कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रसारकों ने भी सरकार की पहल को सराहा। जन जागरूकता और टीकाकरण अभियान से राज्य में कोरोना बैकफुट पर, 24 घंटे में रांची छोड़ कहीं नहीं मिले मरीज, 38 एक्टिव मामले शेष। और राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, डाल्टनगंज में 41.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा पारा, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और गिरिडीह में लू जैसे हालात।